मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस 11 में अर्शी खान शो की जान बनी हुई है और उनकी हरकतें ना सिर्फ दर्शकों को पसंद आ रही हैं, बल्कि वो बढ़ चढ़ कर घर में नजर भी आ रही हैं। घर में हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली ढिंचाक पूजा भी अर्शी खान के साथ नजर आ रही है और उनकी खूब तारीफ कर रही हैं। इसी बीच अर्शी खान को अच्छे से जानने वाली मॉडल एक्ट्रेस घेना वशिष्ठ ने उनसे जुड़े कई राज का पर्दाफाश किया है। मैं आपको बता दूं कि अर्शी खान पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। घेना वशिष्ठ ने दावा किया है कि अर्शी खान ने अपनी उम्र से लेकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक हर चीज के बारे में झूठ बोला है। घेना ने आरोप लगाए हैं कि अर्शी खान की उम्र 32 से 33 साल से ज्यादा है और वो ग्रेजुएट तक नहीं है। घेना वशिष्ठ अर्शी खान की स्कूल फ्रेंड रह चुकी हैं। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में घेना ने कहा, अर्शी खान के ऊपर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं और जिसमें से 2 पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, 4 महाराष्ट्र में है और 4 देश की बाकी हिस्सों में। इसमें से 4 मामले भारत और पाकिस्तान के झंडे के अपमान से जुड़े हुए हैं। एक मामले पर 5 नवंबर को फैसला भी आना है। घेना ने ये भी कहा है कि अर्शी खान का दावा है कि उसके संबंध पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ रहे हैं, ये भी गलत है। वो उससे मिलने की बात तो दूर, फोन पर भी बात नहीं की है। घेना ने कहा है, अफरीदी के साथ सेक्स की बात तो भूल ही जाइए, वो उनसे कभी मिली भी नहीं है, फोन पर बात तक नहीं की है। उन्होंने बताया है कि जब 2 साल पहले ये खबर आई थी तो उसके बाद शाहिद अफरीदी ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल तो अर्शी खान घर के अंदर जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज कर रही है, घर के बाहर भी उतनी ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में लिपटी हुई है और पाकिस्तान में तो मोस्ट वांटेड तक है। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।